अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही बढ़िया बहुत ही मज़ेदार की रेसिपी जिसका नाम कस्टर्ड। ये एक ऐसी रेसिपी है आपको जब भी मन करे आप झटपट बना सकते हैं। वेलकम टू माय चैनल शाहीन्स फूड नेटवर्क। इसे बनाने के लिए मैंने लिया है 1 लीटर दूध, 1 कप शक्कर, 5 टेबलस्पून मैंने कस्टर्ड पाउडर ले लिया है। कस्टर्ड पाउडर में मैंने 2 टेबलस्पून ठंडा दूध मिला के इसे घोल लेंगे। इसे अच्छी तरीके से घोल लेंगे, इसमें हम गर्म दूध बिल्कुल नहीं मिलाएंगे वरना हमारा कस्टर्ड पाउडर जो है वो जम जाएगा। दूध हमारा अच्छी तरीके से बॉईल हो गया, अब इसमें हम शक्कर ऐड कर देंगे। शक्कर को भी अच्छी तरीके से हम घोल लेंगे। 5 मिनट के लिए इसे पका लेंगे ताकि हमारी शक्कर अच्छी तरीके से घुल जाए। उसके बाद जो हमने कस्टर्ड पाउडर का स्लरी बनाया था वो हम ऐड कर देंगे थोड़ा थोड़ा करके। हम एक साथ बिल्कुल ऐड नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे और चम्मच भी अपना स्टर करते रहेंगे। इसी तरह मैं अपना सारा कस्टर्ड जो स्लरी था वो मैं थोड़ा थोड़ा करके ऐड करके इसे अच्छी तरीके से बॉयल कर लूँगी स्लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट हो जाएगा, जब इसे हम स्लो फ्लेम पे बॉयल करेंगे तो धीरे धीरे ही जो इसकी कंसिस्टेंसी है वो भी गाढ़ी हो जाएगी। आप देख सकते हैं कंसिस्टेंसी पहले से काफ़ी हद तक गाढ़ी हो चुकी है। अब ये जैसे जैसे ये ठंडा होगा वैसे ही ये गाढ़ा होता जाएगा। इसे हम रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लेंगे। मैंने कुछ फ्रूट्स लिए हैं, मैंने अनार के दाने लिए हैं और एप्पल को मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। आपको जो भी फ्रूट पसंद है, जो भी सीजनल फ्रूट है, आप वो सारे फ्रूट्स ले सकते हैं। दूध को मैंने रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लिया है, अभी इसे मैं फ्रिज में रख दूँगी, फ्रिज में इसे ठंडा कर लूँगी और फिर इसमें हम अपना फ्रूट्स ऐड करेंगे। कस्टर्ड मेरा अच्छी तरीके से ठंडा हो गया है, अब इसमें मैं अपनी फ्रूट्स ऐड कर रही हूँ। मैं एप्पल ऐड कर दिया है मैंने और इसमें मैं अब अपना अनार ऐड कर दूँगी। आपको जो भी फ्रूट्स पसंद हो आप उसे ऐड कर सकते हैं। अच्छे से इसे स्टर कर लो। अगर आपको और ठंडा पसंद है आप इसे और कुछ देर के लिए फ्रिज में रख सकते हैं। देख सकते हैं मेरा फ्रूट कस्टर्ड रेडी हो चुका है। बहुत ही मज़ेदार बनता है, बहुत ही क्विक और बहुत ही इंस्टेंट रेसिपी है। आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। आपको जब भी मन करे तो आप इसे झटपट बना सकते हैं। अगर आपके घर में अर्जेंट मेहमान आने वाले हैं तो भी आप इसे बना सकते हैं। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।